हां जी सत श्री अकाल जी सारयां नूं। अज आपां बायोग्राफी लैके आए हां पंजाब दी सोहणी सुनखी एक्ट्रेस ते सिंगर निशा बानो दी, जिन्हां दी एक्टिंग ते सिंगिंग नूं लोक काफी पसंद करदे ने। अज आपां गल करांगे उहनां दे जीवन बारे, विआह बारे, स्ट्रगल बारे ते उहनां दे कैरियर बारे। सो सब तों पहलां निशा बानो दा जन्म 29 जून 1984 नूं पंजाब दे शहर मानसा विच होया। इहनां दा असली नां है निशांत बानो, पर इंडस्ट्री च इहनां नूं निशा बानो दे नां नाल ही जाणिया जांदा है। इहनां दे घर वाले ते दोस्त मित्र इहनां नूं निशू कह के वी बुलाउंदे ने। जे निशा बानो दी मैरिज दी गल करिए तां निशा बानो दा विआह गायक समीर माही दे नाल हो चुका है। हालांकि पहला इह दोवें फ्रेंड सी, पर बाद विच इहनां दोवां ने विआह करवा लिया। जे इहनां दी पढ़ाई दी गल करिए तां इहनां ने योगेश मेमोरियल पब्लिक स्कूल मानसा तों स्कूल दी पढ़ाई पूरी कीती। उस तों बाद इहनां ने SD कॉलेज मानसा तों ग्रेजुएशन कीती। उहनां ने स्कूल तों लै के कॉलेज तक हर प्रोग्राम विच पार्टिसिपेट कीता। युवक मेलियां दे विच इहनां ने कई इनाम वी जीते। इक इंटरव्यू दौरान निशा ने दस्सिया कि जदों मैं छोटी हुंदी सी तां साडे मानसा विच एक चिल्ड प्ले होना सी। उसे दिन मेरे घर दिया ने किते बाहर भी जाना सी, पर निशा ने घर दिया नाल जान तो मना करता। आखिर जिद करन तो बाद उन्हां दे पिता जी निशा नू उस शो विच लै गए। इस शो विच उन्हां नू कहा गया कि तेरे पिता जी दूरों बाहां फैला के खड़े होणगे ते तू भज के उन्हां नू गले मिलना। उस शो च निशा बानो ने इन्नी वधिया परफॉर्मेंस कीती कि सारे हैरान रह गए। ओह निशा दी लाइफ दा पहला स्टेज शो सी। निशा बानो ने जदों कॉलेज दी पढ़ाई पूरी कर ली तां ओह चंडीगढ़ चली गई, जिथे ओह किसे कॉलेज दे विच गिद्दे दी कोचिंग देण जांदी सी। एक दिन निशा बानो गिद्दे दी कोचिंग दौरान जदों बोलियां पा रही सी तां उत्थे फेमस एक्टर ते सिंगर करमजीत अनमोल भी खड़ा सी। उन्हां नूं निशा दी आवाज इन्नी वधिया लगी कि उन्हां ने निशा नूं भी सिंगर बनने दी सलाह दित्ती। सो इस तरह करमजीत अनमोल ते निशा बानो ने देशां विदेशां दे विच इकट्ठियां कई लाइव शो लगाए। करमजीत अनमोल तों निशा नूं म्यूजिक दीआं बरीकियां भी सिखण नूं मिलियां, जिस करके निशा करमजीत अनमोल नूं अपना गुरु भी मनदी है। दोवां ने मिल के कई सोंग भी कीते जो कि बहुते ना चल सके, पर निशा ने इत्थे ही हार ना मन्नी। उन्होंने साल 2016 विच अपना सोलो सोंग रिलीज किया जिसका नाम है मैं छटता। उन्हां दा इह सोंग काफी हिट रहा। इस सोंग नाल लोक उन्हां नूं जानन लग पे। इस तों बाद भी उन्होंने कई सोंग किते जिदा कि अड़ब जट्टी, भूत भंगड़ा, मेरे आला जट, उही बोलदी ते नेचर। उन्हां दे इह सोंग काफी हिट रहे। इस तों बिना उन्होंने कई पंजाबी फिल्मां दे विच प्लेबैक सोंग भी गाए। तुहानूं दस दिए कि निशा बानो दे गाणियां दी सिलेक्शन उन्हां दे पति समीर माही करदे ने, जो कि आप भी वधिया सिंगर ने। निशा बानो ने अपनी एक्टिंग दी शुरुआत MH1 दे TV शो हसदे वसदे रहो तों कीती। इस शो विच ओह भगवंत मान नाल नजर आई। जे इन्हां दे फिल्मी कैरियर बारे गल करिए तां इन्हां ने सब तों पहला जट एंड जूलियट मूवी विच काम कीता। इस तों बाद जिस मूवी नाल ओह मशहूर होई ओह फिल्म है निक्का जैलदार, जिस विच निशा ने शांति दा रोल प्ले किया जो कि दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस तों अलावा कई होर पंजाबी फिल्मों विच भी निशा बानो काम कर चुकी है, जिदा कि मंजे विस्तरे, निक्का जैलदार 3, अंग्रेज, विसाखी लिस्ट, जट एयरवेज ते लावां फेरे। इन्हां फिल्मों विच भी निशा बानो ने अपनी एक्टिंग नाल लोकां दे दिल जीते। सो इदां निशा बानो ने अपने बचपन दे एक्टर बनन दे शौक नूं पूरा किया ते अज लखां लोक उन्हां दे फैन ने। सो इह सी पंजाबी एक्ट्रेस ते सिंगर निशा बानो बायोग्राफी। तुहानू वीडियो कैदा लगी कमेंट बॉक्स विच अपनी राय जरूर दिओ। जे वीडियो वधिया लगी तां वीडियो नूं वध तों वध शेयर ते लाइक जरूर कर दिओ ते इहो जिहियां होर वीडियोस देखण दे लई इक्सी देसी चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। तां फिर हुण मिलदे आं किसे होर वीडियो दे नाल। उदों तक रब रखा।